विच कौशिक एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट लुक बैक इन एंगर जो कि किचन सिंह ड्रामा की कैटेगरी में है और इसे लिखा गया है जॉन ऑस्बन के द्वारा इसके बारे में हम बात करते हैं और इस सेशन में हम कवर करेंगे वी विल कवर अबाउट द ऑथर सेशन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स समरी एंड थीम्स यहाँ पर हम बात करेंगे ऑथर के बारे में कैरेक्टर्स के बारे में समरी के बारे में और इम्पोर्टेंट थीम्स के बारे में जॉन ऑस्बन के बारे में बात करें तो ये एक प्लेट थे एक स्क्रीन राइटर थे और एक एक्टर एक भी थे जो इनका जन्म हुआ था इट वॉज ऑन ट्वेल्थीन टीन फोलहम इंग्लैंड लंडन में लंडन इंग्लैंड में हुआ था ही डाइड ऑन ट्वेंटी फोर डिसम्बर एज सिक्सटी फाइव क्लंश आया इंग्लैंड में इनका देहांत हुआ था एंड लिटरे मूवमेंट ही वॉज एसोसिएटेड टू एंग्री यंग मैन इसे इन्हें एंग्री यंग मैन लिटरे मोवमेंट से एसोशिएट किया जाता है लुक बैक इन एंगा लुक बैक इन एंगा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले इन दॉर्डर्नि ब्रिटिश थिएटर मॉडर्न ब्रिटिश थिएटर में इसको बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेज माना जाता है यहाँ पर एक कैटेगरी आती है किचन सिंह ड्रामा अब ये किचन सिंह ड्रामा क्या है अगर हम लुक बैक एंगर की बात करें तो इट वॉज द फर्स्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ किचन सिंह ड्रामा ये किचन सिंह ड्रामा जो ऑसबन का है ये पहला वेल नोन एग्जाम्पल है स्टाइल ऑफ थिएटर दैट एक्सप्लोर द इमोशन एंड ड्रामा दी सरफेस ऑफ ऑर्डिनरी डोमेस्टिक लाइफ अब जो किचन सिंह ड्रामा यह है ये है क्या किचन सिंह ड्रामा सिंपली जो ऑर्डिनरी लाइफ है उसमें इमोशन और ड्रामा को ढूंढने की कोशिश करता है तो अगर कोई ऑर्डिनरी लाइफ डोमेस्टिक लाइफ पर आ, कोई ड्रामा लिखता है और उसमें इमोशन और ड्रामा ढूंढने की कोशिश करता है तो ये किचन सिंह ड्रामा की कैटेगरी में आएगा और लुक हैंगर, ये फर्स्ट इस कैटेगरी का एक ड्रामा है जिमी पॉटर जो इसका मेन कैरेक्टर है जिमी पॉटर द्लेस मेन कैरेक्टर बिकेम द मॉडल फॉर द एंग्री यंग मैन अ नेम गिवन टू एन एंटायर जेनरेशन ऑफ आर्टिस्ट एंड वर्किंग क्लास यंग मैन इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटिश सोसाइटी अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है पोस्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश सोसाइटी में जो एंग्री यंग मैन है ये निक नेम दिया गया है उस पूरी जेनरेशन को जो किसकी थी जेनरेशन ऑफ आर्टिस्ट और वर्किंग क्लास यंग मैन उनको एंग्री यंग मैन का निक नेम दिया गया है और इनको रिप्रेजेंट करता है जे, जिमी पॉटर ऑस्बन रोड द्ले इन ओनली अ फ्यू वीक्स इन मे ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फाइव ये जो लिखा गया है ये मे ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फाइव में लिखा गया है प्ले ओपन ऑन मे एट नाइनटीन सिक्स और जो ये प्ले है ये ओपन होता है दू आईकोनिक मोटिव ऑफ द प्ले आर अफोर मेन्शन कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन एंड द किचन सिंह ड्रामा हमें एंग्री यंग मैन जो मोवमेंट था और किचन सिंह ड्रामा जो कैटेगरी है उस कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश की गई है कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला जो कैरेक्टर है वो है आपका जिमी पॉटर जिमी पॉटर इज द प्लेस मेन कैरेक्टर ही इज एंग्री यंग मैन हु हुक्सप्रेसेस हिज फ्रस्ट्रेशन फॉर द लैक ऑफ फीलिंग्स इन हिज प्लेसिड डोमेस्टिक लाइफ तो लैक ऑफ जो फीलिंग्स है उसकी बिल्कुल जो बोरिंग डोमेस्टिक लाइफ है उस फ्रस्ट्रेशन को वो दिखाता है

अनएजुकेटेड मानकर चलता है एलिसन एलिसन जो है वो जिमी पोर्टर की वाइफ है एंड शी कम्स फ्रॉम ब्रिटेन्स अपर क्लास वो अपर क्लास से बिलोंग करती है बट मैरिड इन टू जिमीज वर्किंग क्लास लाइफ स्टाइल अब वो जिमी से उसकी शादी हुई है जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है द ऑडियंस लर्नस इन द फर्स्ट एक्ट दैट शी इज प्रेगनेंट विद जिमीज चाइल्ड और वो यहाँ पर जो पहला जो हमारा एक्ट है उसमें हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है जिमी का जिमी के चाइल्ड के साथ में सो मीन्स शी हैज शी इज बियरिंग जिमीज़ चाइल्ड हेलेना चार्ल्स जो हेलेना चार्ल्स है हेलेना चार्ल्स इज एलिस बेस्ट फ्रेंड जो हेलेना चार्ल्स है वो एलिसन की बेस्ट फ्रेंड है शी लिव्स विद देम इन दियर अपार्टमेंट वाई विजिटिंग फॉर वर्क हेलेना इज फ्रॉम अपर क्लास फैमिली जो हेलेना है वो भी अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग एलिसन टू लीव जिमी और जो एलिसन है हेलेना है वही हेल्प करती है जो हेलेना है वो एलिसन को हेल्प करती है जिमी को छोड़ने में कर्नल रेडफोन अब कर्नल रेडफोन कौन है ये है आपका एलिसंस का के फादर हैं ही रिप्रेजेंट ब्रिटेन्स ग्रेट एडवर्डियन पास्ट और जो ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये ग्रेट एडवर्डियन पास्ट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ही वॉज मिलिट्री लीडर इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स बिफोर रिटर्निंग विद हिज फैमिली टू इंग्लैंड वो आ, एक मिलिट्री लीडर रहे थे इंडिया में जो कि काफ़ी काफ़ी साल यहाँ रहे इंडिया में और फिर वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड चले गए अब इस वॉक की समरी देखते हैं लुक बैक इन एंगर बिगिनस इन दी एटिक फ्लैट अपार्टमेंट ऑफ़ जिमी पॉटर एंड एलिसन पॉटर जो ये स्टोरी शुरू होती है ये शुरू होती है आपकी एटिक फ्लैट में ध्यान आपको रखना है एटिक फ्लैट अपार्टमेंट में जहाँ की जिमी पॉटर और एलिसन पॉटर रहती है दिस सेटिंग इज मेड नाइनटीन फिफ्टीज नाइनटीन फिफ्टीज स्मॉल टाउन इंग्लैंड 1950 का जो स्मॉल टाउन इंग्लैंड है वहां पे इस वर्क की सेटिंग है जिमी एंड एलिसन शेयर अपार्टमेंट विद क्लिफ क्लिफ लुइस लुइस वो के साथ यहाँ पे अपार्टमेंट शेयर करते हैं अंग वर्किंग क्लास मैन हु इज बेस्ट फ्रेंड विद जिमी जो क्लिफ लुइस है वो जिमी का बेस्ट फ्रेंड भी है क्लिफ एंड जिमी बोथ कम फ्रॉम अ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड दोनों के दोनों वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते हैं दो जिमी हैज हैड मोर एजुकेशन क्लिफ जिमी के पास जो जिमी है वो क्लिफ से ज्यादा एजुकेटेड है दे आर इन बिजनेस टुगेदर रनिंग अ स्वीट स्टॉल दोनों के दोनों स्वीट स्टॉल चलाते हैं एलिसन कम्स फ्रॉम मोर प्रोमिनेंट फैमिली और जो एलिसन है वो ज्यादा अच्छी फैमिली से आती है इट इज क्लियर फ्रॉम दिगिनिंग दैट जिमी रिजेंट दिससे जिमी खुश नहीं है ऑन अ संडे इन अप्रिल जो फर्स्ट एक्ट है वो ओपन होता है ऑन अ संडे इन अप्रैल ये आपको नोट कर देना चाहिए जिमी एंड क्लिफ आर रीडिंग दिस संडे पेपर्स वाइल एलिसन इज आयरनिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम जो एलिसन है वो आयरन कर रही है और जिमी और क्लिफ हैं जो दोनों वो संडे uh, पेपर पढ़ रहे हैं जिमी इज अ हॉट टेम्पर्ड जिमी जो है वो हॉट टेम्पर्ड यंग मैन है एंड ही बिगिन टू ट्राई एंड प्रोवोक बोथ क्लिप एंड एलिसिन और क्लिफ और एनिस को दोनों को प्रोवोक करने का काम करता है ही इज एंटेगनिस्ट टूवर्ड्स क्लिप्स वर्किंग क्लास बैकग्राउंड एंड मेक्स फन ऑफ हिम फॉर हिज लो इंटेलिजेंस वो हमेशा जो क्लिफ है उसकी लो इंटेलिजेंस के लिए उसका मजाक बनाया करता है क्लिफ इज गुड नेचर्ड एंड टेक्स द जो क्लिफ है वो अच्छा अच्छे नेचर का है और एंटेगनिजम को वो बियर करता है जिमी अटेम्प टू प्रोवोक हिज वाइफ एलिसन और जो जिमी है वो अपनी वाइफ एलिसन को भी प्रोवोक करने की कोशिश करता है बाय मेकिंग फन ऑफ हर फैमिली एंड हर वेल हील्ड लाइफ बिफोर शी मैरिड हिम और उसके बारे में काफ़ी बातें करता है कि जो उसकी लाइफ थी जो उससे शादी करने के पहले थी तो सारी चीज़ों का वो मजाक बनाता है

बैगड्रजिंगली uh, एक्सेप्ट और इस फैक्ट को वो भी खुद एक्सेप्ट करता है बट इससे वह दुखी है एलिसन टायर्स ऑफ जिमीज रैंट्स एंड बैक्स फॉर पीस जो एलिसन है वो जिमी से बड़ी परेशान है इन बातों से वो शांति के लिए उससे कहती है दिस मेक्स जिमी मोर फेवर्ड इन हिज इंसल्ट और जो जिमी है वो इस बात के लिए और ज़्यादा इंसल्ट फील करता है Cliff attempts to keep peace between the two, and this leads to a playful scuffle between the two. Cliff is uh, उन दोनों के बीच में शांति करवाने की कोशिश करता है और इससे दोनों के बीच में थोड़ा सा scuffle होता है. The wrestling ends up running into Allison, causing her to fall down. अब जो uh, Allison है वो इस क्या इस wrestling में नीचे गिर जाती है. जिमी इज़ सॉरी फॉर द इंसीडेंट बट एलिस हिम लीव द रूम जिमी इस काम इस वर्क के लिए कि उसने उसे नीचे गिराया होता है इसके लिए सॉरी फील करता है बट एलिसिन उसे कहती है कि तुम्हें रूम छोड़ देना चाहिए आफ्टर एलिसिन आफ्टर जिमी लीव्स एलिसन कन्फाइड्स टू क्लिफ दैट शी इज़ प्रेग्नेंट विद जिमी इज चाइल्ड दो शी हैज़ नॉट यर टोल्ड जिमी अब यहाँ पर जो जिमी जब चला जाता है तो एलिसिन क्लिफ को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और बट शी हैज नॉट टेल दिस शी हैज नॉट टोल्ड दिस थिंग टू जिमी उसने अभी ये बात जिमी को नहीं बताई है क्लिफ एडवाइज हर टू टेल हिम बट वेन क्लिफ गोज आउट एंड जिमी री एंटर्स द रूम दू इंस्टेट फॉल इनटू एन इंटीमेट गेम तो दोनों के दोनों इंटीमेट गेम में फिर इन्वॉल्व uh, हो जाते हैं जब क्लिफ uh, वहां से चला जाता है और जिमी वापस आता है तो जिमी स्टफ इम्पर्सनेटर एंड एलिसन इम्पर्सनेटरल तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये पूछा जाता है कि जो जिमी है वो इम्पर्सनेट किस क्या करता है एक स्टफ बियर को इम्पर्सनेट करता है और वो टॉय स्क्वायरल को इम्पर्सनेट करती है क्लिफ रिटर्न्स टू टेल एलिसन दैट हर ओल्ड फ्रेंड हेलिना चॉल्स हैज कॉल्ड हर ऑन हर ऑन फोन क्लिफ वापस आता है और एलिसन को कहता है कि उसकी जो पुरानी दोस्त है हेलिना चॉल्स उसने उसे फोन किया था एलिसन लीव्स टू टेक द कॉल एंड रिटर्न विद द न्यूज दैट हेलिना इज कमिंग टू स्टे फॉर अ विजिट एलिसन वापस आती है कॉल लेने के बाद और उसे न्यूज देती है जिमी को बताती है कि हेलेना वहां आ रही है और वहां रुकेगी जिमी लाइक हेलेना वो हेलेना को पसंद नहीं करता तो वह पे फिर से गुस्सा होता है ही he wishes that एंड could दैट शी child ओनली टू वॉच इट die. और वह उसे कहता है कि Uh, उसका जो काश के उसका एक बच्चा हो और वो इसे मरते हुए देखे टू वीक्स लेटर हेलिना हैज अराइव एंड एलिसन with जिमी जो एलिसन है uh, वो हेलिना के आने के बाद अपनी जो रिलेशनशिप है जिमी के साथ उसे डिस्कस करती है शी टेल्स हाउ दे मेट एंड हाउ इन दियर यंग डेज दे यूज टू क्रैश पार्टीज विद्रेंड यूजा यूज टैना के साथ में उनकी पार्टीज हुआ करती थी जब उनके यंगर डेज थे जिमी मेंटेन्स अफेक्शन फॉर यूज मदर दो हिज रिलेशनशिप विद यूज वॉज स्ट्रेन्ड वैन यूज लेफ्ट टू तो ट्रेवल वर्ल्ड एंड जिमी स्टेट टू तो बी विद एलिसन अब यहां पर बात चलती है कि जो यूज की मदर थी जिमी उसके लिए अफेक्शन शो करता है और जबकि यूज़ के साथ में उसकी जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी स्ट्रेंड थी यूज़ जो है वो वर्ल्ड घूमने के लिए चला जाता है और जिमी जो है वो एलिसन के साथ रुक जाता है जिमी सीम्स टू रिग्रेट दैट ही कुड नॉट लीव बट ही इज़ ऑल्सो एंग्री एट यूज़ फॉर अबैंडनिंग हिज मदर जिमी जो है वो ये तो रिग्रेट करता है कि वो नहीं जा पाया लेकिन वो इस बात के लिए भी काफ़ी गुस्सा होता है कि जो यूज था उसने अपनी मदर को छोड़ दिया था हेलिना इनक्वायर्स अबाउट एलिसन अफेक्शनेट रिलेशनशिप विद क्लिफ एंड एलिसन टेल्स हर दैट दे आर स्ट्रिक्टली फ्रेंड्स हेलिना एलिसन की जो अफेक्शनेट रिलेशनशिप है क्लिफ़ के साथ उसके बारे में बात करती है लेकिन एलिसन बताती है कि वो दोनों स्ट्रिक्टली फ्रेंड्स हैं Cliff and Jimmy returns to the flat and Helena tells them that she and Allison are leaving for church. जैसे ही क्लिफ़ और जिमी वापस आते हैं फ्लैट में Helena उन्हें कहती है कि हम दोनों Allison और uh, Helena आर गोइंग फॉर चर्च जिमी goes into एन एंटी रिलीजियस रेंट एंड ends up इंसल्टिंग Allison's फैमिली once again. जब जिमी एंटी रिलीजन बातें करता हुआ फिर गुस्से में आ जाता है और फिर एलिसन की फैमिली को फिर से इंसल्ट करता है हेलिना बिकम्स एंग्री एंड जिमी डेयर्स हर टू स्लैप हिम ऑन द फेस एंड वार्निंग हर दैट शी विल स्लैप हर बैक हेलिना गुस्सा हो जाती है और जिमी जो है वो उसे स्लैप करने के लिए कहता है और uh, अगर वो फिर से uh, उनके बारे में कुछ बोलती है तो ही टेल्स हाउ ही वॉज हादर डाई एज अंग मैन वो उसे कहता है जिमी हेलि को बताता है कि उसने अपने फादर को मरते हुए देखा था हिस्सा हैड बीन इंजर्ड फाइटिंग इन इन दिनिश सिविल वॉर एंड रिटर्न टू इंग्लैंड ओनली टू डाई शोर्टली आफ्टर वो आ, जो उसके फादर थे वो स्पेनिश सिविल वॉर में वेड हुए थे और जब वो वापस आए तो वो मर गए थे एलिसन एंड हैलेना बिगिन टू लीव फॉर चर्च एंड जिमी फील्स बिट्रीट बाई हिस्स वाइफ जो एलिसन और हेलिना जब चर्च के लिए चले जाते हैं तो जिमी को लगता है कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया है अब फोन कॉल कम्स इन फॉर जिमी एंड ही लीव्स द रूम फोन कॉल आता है जिमी के लिए और वो फिर चला जाता है हैलिना टेल्स एलिसन दैट शी है हेलेना एलिसन को कहती है कि मैंने उसके एलिसन uh, के फादर को यहाँ पे बुला लिया है और इस अब्यूसिव होम से उसे वापस ले जाने के लिए बोल दिया है एलिसन रिलेंट्स एंड दैट शी विल गो व्हेन हर फादर पिक्स हर अप द नेक्स्ट डे एलिसन इस बात को मान जाती है कि उसके जब फादर आएंगे दूसरे दिन तो उसके उनके साथ चली जाएगी वेन जिमी रिटर्न ही टेल्स एलिसन दैट मिसिस टेना यदर हैज बिकम सिक एंड इज गोइंग टू डाय जब जिमी आता है वो एलिसन को बताता है कि यूज़ की जो मदर है वो काफ़ी बीमार है और अब जल्दी ही मरने वाली है जिमी डिसाइड्स टू विजिट हर एंड ही डिमांड्स दैट एलिसन मेक अ चॉइस ऑफ वेदर टू गो विद हेलिना और हिम। जो जिमी uh, है वो एक चॉइस uh, बनाता है चॉइस देता है एलिसन को कि या तो उसे हेलना के साथ जाना चाहिए या उसके साथ आना चाहिए एलिसन पिक्स थिंग्स एंड लिवस फॉर चर्च जिमी कोलेप्सिस ऑन बेड हार्ट ब्रोकन his हिज decision. डिसलिसन अपना सामान उठाती है और चर्च को चली जाती है जिमी इस बात से बिल्कुल कॉलेप्स हो जाता है अपने बेड पे और द नेक्स्ट इवनिंग एलिसन इज पैकिंग एंड टॉकिंग विद हर फादर कर्नल रेडफोन जो नेक्स्ट इवनिंग को हम देखते हैं कि जो एलिसन है वो पैकिंग कर रही है और अपने फादर से बात कर रही है उसके फादर का नाम है वो है कर्नल रेडफॉर्न जैसा हम कैरेक्टर्स uh, में देख चुके हैं द कर्नल इज अ सॉफ्ट स्पोकन मैन हुई दैट ही डज नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड बिटवीन जिमी एंड एलिसन तो वो कर्नल बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है और उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसे चीजें समझ नहीं आती कि जो जिमी और एलिसन है उनके बीच में जो प्यार है लव है वो किस तरह का है

वो इंडिया में ब्रिटिश मिलिट्री के साथ में रहा था ही कंसिडर हिज सर्विस टू बी सम ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ और वो अपनी जो सर्विस है उसे बेस्ट मान के चलता है एलिसन ऑब्जर्व दैट हर फादर इज़ हर्ड बिकॉज द प्रेजेंट इज नॉट द पास्ट एंड दैट जिमी इज़ हर्ड बिकॉज ही फील्स द प्रेजेंट इज ओनली द पास्ट दोनों के दोनों आ, अपनी एक सॉट रखते हैं और एलिसन को ये बात पता चलती है कि उसके फादर जो हैं वो इसलिए हर्ट फील करते हैं कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट नहीं है और जिमी इसलिए हर्ट फील करता है क्योंकि जो प्रेजेंट है वो सिर्फ पास्ट है एलिसन बिगिंस टू पैक टॉय स्क्वायरल बट देन शी डिसाइड्स नॉट टू तो डू सो वो अपने टॉय स्क्वायरल को वहाँ पर पैक करने की कोशिश करती है पहले बट फिर वो डिसाइड करती है कि वैसा नहीं करेगी हेलिना एंड क्लिफ सोन का एंटर दीन और इसी सीन मेंलिना और क्लिफ आ जाते हैं एलिसन अ लेटर फॉर जिमी एक्सप्लेनिंग वाई शी लेटर लिखती है और वह इसको दे देती है क्लिफ को और उसमें बताती है कि वाई शी लेफ्ट इट लेफ्ट आफ्टर एलिसन लीव कम्स एंग्री एंड गिव्स द लेटर टू हेलिना ब्लेमिंग हव फॉर दिसन अब जो क्लिफ है वो हेलेना को आ, ये लेटर देता है और उसको इस सिचुएशन के लिए ब्लेम करता है जिमी रिटर्न बिविल्डर दैट ही वॉज ऑलमोस्ट हिट बाय कर्नल रिटफोन्स कार एंड दैट क्लिप प्रटेंडेड नॉट टू सी हिम वैन ही वॉज वॉकिंग बाय द स्ट्रीट। जो जिमी जब रिटर्न आता है वो और काफ़ी बिविल्डर्ड फील करता है ही वॉज नॉट कूल एंड काम दैट टाइम और कर्नल रेडफोन की कार से वो टकराते हुए बसता है ही रीड्स एलिसन से लेटर एंड बिकम्स वेरी एंग्री वो एलिसन के लेटर को पढ़ता है और काफ़ी गुस्सा होता है हेलेना टेल्स हिम दैट एलिसन इज प्रेग्नेंट बट जिमी टेल्स हर दैट शी ड ही डज नॉट केयर कि जिमी उसको कहता है कि आई डोंट केयर कि वह इस बात के लिए कोई केयर नहीं करता ही इंसल्ट हेलिना एंड शी स्लैब्स इम दैन पैशनेटली Uh, जो हेलेना है पहले उसको इंसल्ट करती है उसके बाद उसे स्लैप करती है और बाद में उसे पैशनेटली किस भी करती है सेवरल मंथ्स पास एंड द थर्ड एक्ट जिमी एंड क्लिफ वंस अगेन रीडिंग दिस संडे पेपर वाइल हेलेना स्टैंड्स इन कॉर्नर आयरनिंग अब यहाँ पे काफी uh, महीने बीत चुके हैं और फिर से दूसरा जो सीन है वो शुरू होता है थर्ड एक्ट ओपन होता है इसमें जिमी और क्लिफ जो हैं वो आ, पेपर पढ़ रहे हैं संडे को और हेलेना जो है वो कॉर्नर में आयरन कर रही है जैसा कि हमने पिछले एक्ट में देखा था कि एलिसन वहां पर आयरन कर रही होती है जिमी एंड क्लिफ स्टिल एंगेज इन दिया एंग्री ब दोनों के दोनों फिर अपने एंग्री बैंटर में और डिस्कशन में एंगेज हैं एंड हैलिनाज रिलीजियस टेंडेंसीज है Of Jimmy's punishment. Now, Jimmy and Cliff perform scenes from the musicals and comedy shows, but when Helena leaves, Cliff notes that things do not feel the same with her here. Cliff then tells Jimmy that he wants to move out of the apartment. Cliff, uh, Jimmy, he apartment is jana apartment. जिमी टेक्स द न्यूज़ कामली एंड टेल्स हिम दैट ही हैज़ बीन अ लॉयल फ्रेंड एंड इज वर्थ मोर दैन एनी वुमेन और जिमी कहता है कि यू हैव बीन अ लॉयल फ्रेंड आप मेरे एक अच्छे दोस्त रहे हो और एंड यू आर वर्थ मोर देन एनी वुमेन वैन हेलेना रिटर्न द थ्री प्लान टू गो आउट एलिसन सडनली एंटर्स दोन जो हैलेना है वो और जिमी एंड हिज फ्रेंड क्लिफ दे ऑल प्लान टू गो आउट सभी बाहर जाने के लिए प्लान बना रहे होते हैं लेकिन सडनली एलिसिन आ जाती है एलिसन एंड हेलिना टॉक वाइल जिमी लीव्स द रूम एलिसन और हेलिना दोनों बात करती हैं और जिमी वहाँ से चला जाता है ही बिगिनस टू लाउडली प्ले हिज ट्रम्पेट और अपना जो ट्रम्पेट है उसे बजाना बहुत जोर जोर से शुरू कर देता है एलिसन हैज़ लॉस्ट हर बेबी एंड लुक सिक जो एलिसन है उसने जो बच्चा है उसका वो खो देती है और वो बहुत बीमार लगती है हेलिना टेल्स एलिसन दैट शी शुड बी एंग्री विद हर फॉर व्हाट शी हैज डन और हेलिना एलिसन को कहती है कि तुम्हें बहुत गुस्सा होना चाहिए मुझ पर बट एलिसन इज ओनली ग्रीव्ड बाय द लॉस ऑफ़ हर बेबी और एलिसन जो है वो सिर्फ इस बात से दुखी है कि उसका जो बच्चा था वो चला गया हेलि हेलिना इज ड्रिवन टू डिस्ट्रैक्शन बाई जिमी इज ट्रम्पेट प्लेइंग एंड डिमांड्स डैट ही कम इन टू द रूम और हेलिना uh, जो जिमी है जो ट्रम्पेट को प्ले कर रहा था उसे अंदर बुलाने को कहती है वन ही कम्स बैक इन ही लेमेंट्स डिफेक्ट दैट एलिसिन बेबी बट शक्स इट ऑफ फर्स्ट ही लेमेंट्स वह रोता है uh, कि जो एलिसिन ने है अपना जो बच्चा खो दिया है उसके लिए हेलिना देन टेल्स जिमी एंड एलिसन दैट हर सेंस ऑफ मॉरेटी राइट और रॉन्ग हैज नॉट डिमनिस्ड एंड दैट शी नोज शी मस्ट लीव और वो कहती है कि अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए एलिसन अटेम्प टू हर टू स्टे टेलिंग हर दैट जिमी विल बी अलोन इफ शी लीव्स जो एलिसन है वो हेलिना को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि अदरवाइज uh, जिमी बिल्कुल अकेला हो जाएगा वेल हेनिला हैलिना लिवस जिमी अटेम्प टू वंस अगेन बिकम एंग्री बट एलिसन टेल्स दैट शी हैज़ नाउ गॉन थ्रू द इमोशनल एंड फिजिकल सफरिंग दैट ही हैज़ ऑलवेज वॉन्टेड हर टू फील अब जो जिमी है वो फिर से बहुत गुस्सा होने की कोशिश करता है एलिसन उसे बताता है कि मैं ऑलरेडी फिजिकल और इमोशनल जो सफरिंग है उससे गुजर चुकी हूँ Uh, जो जिमी हमेशा उसे फील करवाना चाहता था ही रियलाइजेज दैट शी हैज सफर्ड ग्रेटली हैज बिकम लाइक हिम एंड बिकम सॉफ्टर एंड मोर टेंडर टूवर्ड्स हर अब जब जिमी को ये बात रियलाइज होती है कि वो मेरी तरह बन चुकी है तो बहुत सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सॉफ्ट उसके प्रति हो जाता है द प्ले विद जिमी एंड एलिसन एम्ब्रेसिंग दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं इसी के साथ प्ले एंड हो जाता है वंस अगेन प्लेइंग देयर गेम ऑफ बेयर एंड तो दोबारा वो दोनों के दोनों अपना गेम ऑफ बेयर एंड खेलते हैं इसमें अगर हम बात करें थीम्स की तो सबसे पहली जो थीम है वो है द एंग्री यंग मैन ऑसमन प्ले वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ एंग्री यंग मैन ये जो थीम थी ऑसमन के प्ले की उसे एक्सप्लोर करता है दिस टर्म डिस्क्राइब्स जनरेशन ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर आर्टिस्ट एंड वर्किंग क्लास मैन हु जनरली एस्क्राइब टू लेफ्टिस्ट समार्कस्ट पोलटिक्स एंड सोशल व्यूज ये जो टर्म है व एंग्री यंग मैन ये पोस्ट वर्ल्ड वार आर्टिस्ट के लिए वर्किंग क्लास के लिए यूज किया गया था जो कि कुछ लेफ्टिस्ट थे और कुछ अनार्किस्ट थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे और उनके सोशल व्यूज थे जिमी पॉटर इज ऑफन कंसिडर टू बी लिटरेचर सेमिनल एग्जाम्पल ऑफ द एंग्री यंग मैन जिमी इज़ एंग्री एट दिसल एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर डेट ही बिलीव हैज़ केप्ट हिम फ्रॉम अचीविंग हिज ड्रीम एंड एस्परेशन जो जिमी है वो एंग्री इसलिए है क्योंकि उसे जो सोशल और पोलिटिकल स्ट्रक्चर है वह मानता है कि उसको ब्लेम करता है कि इसकी वजह से वह अपने ड्रीम्स और एस्परेशंस को आ, अचीव नहीं कर पाया द किचन सिंह ड्रामा दूसरा इसका थीम है किचन सिंह ड्रामा इज़ टर्म यूज टू डिनोट प्ले दैट रिलाई ऑन रियलिज्म ये आप ये रियलिज्म से रिलेटेड है एक्सप्लोर डोमेस्टिक सोशल रिलेशंस और ये डोमेस्टिक सोशल रिलेशनशिप्स को शो करता है Realism in British theatre was first experimented with the late 19th and early 20th century by such playwright as George Bernard Shaw. realism George Bernard Shaw ke Loss of childhood. A theme that impacts the characters of Jimmy and Alison Potter is the idea of lost childhood. तो यहाँ पे हमें लॉस लॉस्ट चाइल्डहुड थीम भी देखने को मिलती है ऑसमन यूजेज स्पेसिफिक एक्जाम्पल्स ऑफ डेथ ऑफ जिमीज़ फादर वेन जिमी वॉज ओनली टेन जब वो दस साल का था एंड हाउ ही वॉज फोर्स टू वॉच द फिजिकल एंड मेंटल डिमाइस ऑफ मैन और उस टाइम दस साल की एज में ही न, उसे ये देखना पड़ा था अपने फादर की डेथ को देखना पड़ा था टू डिमोस्ट्रेट दिन जिमी इज फोर्स विद सफरिंग फ्रॉम एन अर्ली एज और उसने ये सारी सफरिंग्स देखी थी रियल लाइफ जो रियलिज्म हमें देखने को मिलता है इसमें इन द प्ले जिमी पॉटर इज कंज्यूमड विद द डिजायर टू लिव अ मोर रियल एंड फुल लाइफ ही कंपेयर्स हिज बर्निंग डिजायर्स टू एम्प्टी एक्शंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ अदर एट फर्स्ट ही जर्नलाइज

Sloth in British literature. Jimmy Potter compares his quest for a more vibrant and emotional life uh, to the slothfulness of the world around him. It is important, important to note that Jimmy does not see the world around him as dead but merely asleep in some fundamental way. world merely asleep. ओके इट इज़ नॉट डेड बट इट इज मेरली अस्लिप द राइज एंड फॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर राइज एंड फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी इसमें शो करने की कोशिश की जाती है किसके थ्रू कर्नल रेड रेड फॉन एलिस फादर एंड द कैरेक्टर दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द डिक्लाइन ऑफ द ऑफ एंड नोस्टेलजिया ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तो ब्रिटिश एम्पायर के राइज एंड फॉल भी इस व थीम है मैस्किनिटी इन आर्ट ऑसबन हैज़ बीन अक्यूज बाई क्रटिक्स फॉर म्यूजोगिक व्यूज इन हिस प्लेस उन्हें म्यूजोगिक व्यूज़ के लिए ऑसबन को काफ़ी कटिक भी किया गया मैनी लुक बैक इन एंगा एज दी चीफ एग्जाम्पल दीज क्रटिक्स अक्यूज ऑसबन ऑफ ग्लोरीफाइंग यंग मेल एंगा एंड क्रोअल्टी टूअर्ड्स वुमेन एंड होमोसेक्सुअल तो यहाँ पर उनको इस बात के लिए भी कटिक किया जाता है कि उन्होंने यंग मेल एंग को एंग्री दिखाने के लिए और उसको ग्लोरीफाई कर किया है और क्रोल्टी टूवर्ड्स वुमेन को प्रमोट किया है थैंक यू फॉर जॉरिंग दिस सेशन वी विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन